तो दोस्तों इस्तकबाल है आपका भोपाल पिजन्स के अंदर, और आज भोपाल पिजन में फिर आप एक बेहतरीन उड़ान देखेंगे मरहूम मुन्ना खुर्रम टूर्नामेंट की। इस टूर्नामेंट के जो खिलाड़ी हैं वो हैं बबलू भाई हमारे, जिनको बबलू ठाकुर के नाम से सब जानते हैं। और बबलू भाई के बारे में बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर बहुत बेहतरीन कबूतर उड़ा के इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, तो इस बार फिर कबूतर किसी लगती हुई। दोस्तों मरहूम मुन्ना खुर्रम के जो रूल्स हैं वो आपको नॉर्मल बताना चाहूँगा मैं आपको। 9 कबूतर उड़ाना है, 7 कबूतरों का टाइम नोट होगा, 2 कबूतर जिनका टाइम नोट नहीं होगा उन्हें जोकर कबूतर कहा जा रहा है, ठीक है। 7 कबूतर मेन कबूतर हैं, 2 सपोर्टर कबूतर हैं। और जनाब आसिफ भाई आज के जज हैं बबलू ठाकुर साहब की उड़ान के अंदर, और देख सकते हैं सारे कबूतरों में सील लग रही है। दूसरा एक और ये है दोस्तों, 11 से लेके 1 बजे के बीच कबूतर दिखाना है आसमान के अंदर खिलाड़ी को, और 4 बजे से पहले का टाइम है। अगर 4:01 पर कोई कबूतर आता है तो वो कैंसिल होगा, ठीक है। तो खिलाड़ी उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं कि कबूतर 12 से लेके 4 बजे के बीच घर वापसी कर ले, तो ये सारे खिलाड़ियों की मेहनत इस वजह से चल रही है। लेकिन ये रूल जो है शायद नेक्स्ट ईयर से ख़त्म कर दिया जाएगा, कमेटी मेंबर्स ऐसी बात चली थी, तो वो कमेटी मेंबर्स के ऊपर डिसीजन होता रहता है फाइनल। तो कमेटी मेंबर जो चाहते हैं वो होता है, उनका जो रिजल्ट रहता है वो फाइनल रहता है। तो आप देख सकते हैं टूर्नामेंट कमेटी के सदर जनाब आसिफ साहब बबलू ठाकुर भाई की, तो आज इनको बेहतरीन परवाज देना है और परवाज का रिजल्ट ज़बरदस्ती आना है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए थे और साथ में उस्ताद यूनुस साहब भी मौजूद हैं। बबलू ठाकुर दोनों भाई के कबूतरों को सील लग चुकी है, दोनों को दोनों जज बबलू ठाकुर भाई की छत पे, तो कबूतर बाहर आते हुए अब लॉफ्ट से ताकि उड़ सकें वो, और बबलू ठाकुर भाई उन कबूतरों को उड़ाएंगे। आप देखिए एक करके सारे कबूतर बाहर आएंगे। और दोस्तों जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो ये सारे कबूतर बाहर आते हैं, सुबह शायद 5:20 या 5:25 हो रहे हैं। इस टाइम बहुत अंधेरा सा रहता है और गर्मी का मौसम है, तपती हुई गर्मी है, शदीद गर्मी के अंदर ये कबूतर अपनी परवाजी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 9 कबूतर बबलू भाई ने बाहर निकाले, और बबलू भाई झंडी दिखाएंगे इनको, जिस तरीके से वो उड़ाते हैं उस हिसाब से वो कबूतर सारे उड़ाएंगे। ये बबलू भाई हैं, पाँच बज के 30 पे बबलू ठाकुर ने कबूतर उड़ा दिए हैं। तो माशाल्लाह सारे कबूतर स्टार्ट हो गए अपनी उड़ान को लेके। ये कबूतर की उड़ान कुछ अलग ही होती है दोस्तों, बहुत नशा है इस उड़ान के अंदर। और दोस्तों एक बात वो बताना चाहूँगा मैं, जो बाजी होती है बाजी की उड़ानें अलग रहती हैं, टूर्नामेंट की उड़ानें अलग रहती हैं। बाजी के अंदर एक हारता है एक जीतता है, और टूर्नामेंट के अंदर 100 हारते हैं और एक जीतता है, ठीक है। तो 100 का मुकाबला एक इंसान करता है, और जबकि बाजी के अंदर 1-1 होता है। तो टूर्नामेंट के जो उड़ानें होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब चलिए आसिफ भाई को हम कमान देते हैं सारी वीडियो की, वो आपको बताएंगे कबूतर कब आ रहा है, कितने बजे बैठ रहा है। तो टूर्नामेंट कमेटी के सदर जनाब आसिफ साहब के पास माइक है, तो पूरी आपको कमेंट करके बताएंगे कि कबूतर कितने बजे खुल के आ रहा था, कितने बजे वापस आ रहा है। तो मिलते हैं अपन वीडियो के एंड में जब रिज़ल्ट आएगा।
8:19 पर बबलू ठाकुर का कबूतर बेटा कैंसिल हो गया। टाइम बता, 9:58 पर बबलू ठाकुर का पहला कबूतर रजिस्टर्ड होके बैठा। मुद्दा मजा उड़ गया ग्राहक आते रहते हैं, आकर आज सबको डील तुम्हें क्या नहीं था इनके बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लड़का वड़का नहीं चाहिए आपका। अमन भाई का दूसरा कबूतर रजिस्टर्ड होते हुए 10:54 पे दूसरा कबूतर रजिस्टर्ड हुआ बबलू ठाकुर का 10:54 पे। एक मिनट तीसरा कबूतर रजिस्टर्ड हुआ और चौथा कबूतर रजिस्टर्ड हुआ साथ में 10:55 पे बबलू ठाकुर। तीसरा और चौथा भी रजिस्टर्ड हुआ बबलू ठाकुर का 10:54। पांचवा कबूतर बैठा बबलू ठाकुर का 10:59 पर। पांचवा कबूतर रजिस्टर्ड होके बैठा बबलू ठाकुर का 10:59 पर। रजिस्टर्ड हो कितने हुए हैं? 30 कबूतरी बैठती हुई बबलू ठाकुर की 11:41 पे। 30 कबूतरी बैठी रजिस्टर्ड होके बबलू ठाकुर की 11:41 पे। दोस्तों उड़ान का पर्चा आ चुका है। फाइनल रिजल्ट जो है बबलू ठाकुर भाई का वो है 32:22 और बहुत बेहतरीन कबूतर परवाजी का मुजाकरा किया है बबलू ठाकुर ने। और आप देख सकते हैं 5 कबूतर जो है 5 घंटे के पार बैठे हैं। इस शदीद गर्मी के अंदर टेम्परेचर 40 के ऊपर हो रहा था और इस खतरनाक गर्मी के अंदर ये कबूतर अपने उड़ के आए। कबूतरों ने अपनी पूरी उड़ान दिखाई और बेहतरीन रिजल्ट दिया बबलू ठाकुर भाई को। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी उड़ान को लेके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।